आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ वार्ता की और मसूरी में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जयश्री बिष्ट ने बताया कि बाल विकास विभाग की ओर से पत्र आया है कि निःशुल्क नगर पालिका से भूमि या कमरा उपलब्ध कराया जाए ताकि बाल विकास योजना का कार्य संपादित हो सके। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वार्ता की गई जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भूमि का चयन करें ताकि व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी क्षेत्र में 32 आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं जिसमें 6 छावनी क्षेत्र और 20 नगर पालिका क्षेत्र में हैं और क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं जहाँ कमरों में बरसात में पानी आता है। इस पर बाल विकास विभाग को शिक्षा विभाग से वार्ता कर मरम्मत करनी चाहिए। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुलाकात की और आंगनबाड़ी सेंटर के लिए भूमि देने की बात की जिस पर उन्होंने कहा कि वह पालिका की संपत्ति पर कहीं जगह देखे ताकि पालिका एक कमेटी गठित कर सके, इस दिशा में समस्या का समाधान भी कर सके। मसूरी से संवाददाता अजित कुमार की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। बिल्कुल, आज आंगनबाड़ी के संगठन की सभी यहाँ पर जो मेंबर्स हैं यहाँ पर आई हैं और इनकी मांग है कि इन आंगनबाड़ी केंद्र सबको आवंटित किया जाए और क्योंकि नगर पालिका के पास सीमित जगहें हैं तो अब प्रयासरत रहेंगे हम कहाँ कहाँ पे जगह खाली है और इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे और जो देखेगी कि कहाँ कहाँ पे हम जगह इन्हें आवंटित कर सकते हैं ताकि इनकी आंगनबाड़ी केंद्र भी सही तरीके से चलती रहे और जल्दी इस पे कमेटी का गठन करके इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम, आज आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी के पास आई हैं, कुछ समस्याएं देखिए आंगनबाड़ी, क्या पूरी समस्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो हमारा बाल विकास परियोजना है, हमारे जो मसूरी क्षेत्र में जो हमारे 32 सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हमारे विभाग द्वारा हमारे एक लेटर आया है कि निःशुल्क यदि नगर पालिका पास भूमि है या तो कोई कमरा है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करवाया जाए। जैसे कि हमारे पास आंगनबाड़ी सेंटर हैं, 7 सेंटर हमारे कैंट वो प्राथमिक विद्यालय में चलते हैं जो कि विभाग द्वारा बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में या पंचायत भवनों में शिफ्ट करा दिया जाए और ऑलरेडी हमारे पास जो 7 सेंटर है वो प्राथमिक विद्यालयों में चलते हैं जिसमें कि 6 सेंटर हमारे कैंट में चलते हैं। तो कैंट का मैटर अलग है और नगर पालिका का अलग है। तो नगर पालिका के क्षेत्र में हमारे पास 20 सेंटर हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आप जमीन का देखो तो हम कहीं पर व्यवस्था करवाते हैं आपकी। कुछ शिक्षा विभाग को लेकर बात चल रही थी कि शिक्षा विभाग की कुछ जमीन भूमि है, क्या बोला? जी, ये प्राथमिक विद्यालय को लेकर है, कहाँ कहीं कहीं पर ऐसा है कि जो प्राथमिक विद्यालय में कमरे हैं बरसात के कारण पानी आ रहा है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए बात की गई थी तो जो कि शिक्षा विभाग से रिलेटिव है। तो शिक्षा विभाग से यदि बाल विकास बात करें तो उसमें इसका निवारण हो सकता है।